रात 9:30 बजे। जरा एक मिनट, बुरा ना माना तो क्या मैं तुम्हारी गन देख सकता हूँ? हेलो, बस मेरा बचपन से सपना है कि एक बार मैं बंदूक हाथ में पकड़ूं। नहीं नहीं, प्लीज। एक सनसनीखेज खबर ये है, जिस गाड़ी में खतरनाक आतंकवादी यूसुफ खान को लाया जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या है? न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं? छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ है। क्या? रुको, सुनो सुनो, यूसुफ खान को कुछ नहीं हुआ है, ही इज सेफ, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बकवास, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो, हमारी तरह तुम्हारा भी तो परिवार होगा ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने ये क्या किया? इसे गोली क्यों मारी? तुमने उसे मारकर बहुत गलत किया। सही गलत का फैसला करने हम नहीं बैठे, हमें यूसुफ खान चाहिए हर कीमत पर, वरना सबका इंतकाल हो जाएगा। बात खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगर हिम्मत है तो हमारे सिपाहियों का सामना करो ना, मर्दों की तरह क्या लड़ते हो? बकवास बंद करो और बैठ जाओ। तुम्हारी बंदूकों से मैं नहीं डरता, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं तुम पर गोली चला दूंगा। चलाओ गोली, कारगिल में तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। चलाओ गोली। चुप करो तो मुझे। हे ईश्वर, सहायता करिए, कृपया हमारे सामने आ जाइए। हे ईश्वर, जिसने भी आपको बुलाया है, आप उसके पास गए हैं, आपने अपने प्राण गंवाए हैं हम लोगों के लिए। जिसने भी आज अपने प्राण गंवाए हो, उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए। हम आपके बालक हैं, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे रक्षक हैं। जो भी आपकी शरण में आता है वो निर्भय हो जाता है। हम आपकी शरण में, आपकी शरण में आना चाहते हैं प्रभु। अपने हृदय में, अपने अपने हृदय में हमें बसा लीजिए प्रभु। आमीन। रवि, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। ओह नो, उन्होंने एक पैसेंजर की जान ले ली। अब आप खुश हैं? आपकी वजह से उस आदमी की जान गई। देखो, इसमें हमारा दोष नहीं है, अगर हम हमला करते तब भी ऐसा ही कुछ हो सकता था। पर उनका भी तो नुकसान होता, शायद उनका चैप्टर ही खत्म कर देते हम लोग। बड़ा मामला बिगड़ गया है। आप सब जिम्मेदार हैं। मतलब क्या है तुम्हारा रवि? पहले तो फैसला करने में वक्त लगाना, फिर गलत फैसला करना, सब आपकी गलती है। रुको रुको, हेलो, क्या तुम पागल हो? और क्या करें, तुम लोगों को एक ही जबान समझ में आती है? नॉनसेंस, हमने कहा हम यूसुफ खान को रिहा कर रहे हैं, और क्या चाहिए बोलो। अगर मनमानी करोगे तो पछताओगे। अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें अफसोस होगा। अपने लोगों के बारे में सोचो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस्टर विश्वनाथ। अगर यूसुफ खान हमें नहीं मिला तो एक आदमी मारा जाएगा हर आधे घंटे पे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आई वॉन्ट यू, अगर अब तुमने एक भी पैसेंजर को मारा तो तुम्हें यूसुफ खान नहीं मिलेगा। जब तक डॉक्टर उसकी परमिशन नहीं देंगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। जो करना है कर लो, गेट लॉस्ट। ये क्या विश्वनाथ, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं। अगर इसी तरह चिल्लाऊंगा, किसी तरह बात करूंगा। हम कोई चार्ज नहीं ले सकते। पीएम को जवाब दो, प्रेस का सामना करो। वो पैसेंजर को मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, क्या सरकार है? बुलशिट। सुभाष, मैंने अपने बेटे को मारा, मैंने अपने बेटे को मारा। सुभाष, अपना बेटा, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे अकेला। ये हमारे भारत सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो यूसुफ खान को ठीक करके टेररिस्ट के हवाले सौंप देंगे या फिर पैसेंजर्स को यूं ही मरने देंगे? मुझे बात नहीं करनी। विश्वनाथ, फोन उठाओ और इसी आवाज में उनसे बात करो। चलो। क्या है? मेरा यकीन करो। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं 10 घंटे लूंगा। हेलो हेलो, क्या क्या कहा उसने?
वो उसे टीवी पर देखना चाहता है। ये कैसे होगा? बोलो अब हम क्या करें? हम आपको बता दें, दूसरे आतंकवादी संगठनों ने यूसुफ खान की रिहाई की खबर का स्वागत किया है और जश्न मना रहे हैं। हमें मंजूर है, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, जल्दी से कुछ करो प्लीज। कैसे सर? मौका मिलते ही हमें उन पर हमला करना चाहिए, और वही एक चीज है जो हमारे पास नहीं है। अगर उन्हें रत्ती भर भी हमारी हरकतों पे शक हुआ तो वो उस प्लेन को उड़ा देंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, उन्हें सबूत मिलने तक वो पैसेंजर को खाना भी नहीं देंगे, भूखा मार देंगे। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। तो अब हम क्या करें? हाँ। अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सर, प्रधानमंत्री जी का फोन। मैं अभी आता हूँ। सर, यस सर, ओके सर। उस फिल्म का नाम क्या था? कौन सी फिल्म? अरे वही जिसमें अपना फिल्मी हीरो यूसुफ खान को पकड़ता है। ओए माँ, कश्मीर आप उनका सपना, इसके खिलाफ जाने वाला आप उनका दुश्मन, ऐसे दुश्मन को टपकाना ही मांगता है, यही आप उनका फर्ज, खुदा का फरमान, यही लफड़ा है। खुदा का नाम इस्तेमाल करके तुम लोगों की जान लेते हो। मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती मेरा देश है। क्या मुसलमान हिंदी सीरियल नहीं देखते? क्या हिंदू मुगलाई बिरयानी नहीं खाते? हमारे देश की जीत तुम्हारी नफरत की लड़ाई से कहीं कीमती है। जय हिंद। रुको, रुको। ये तो सच में कमाल है, ये हूबहू यूसुफ खान का हमशक्ल है। मुझे ये एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कैमरामैन, मेकअप मैन फौरन यहाँ चाहिए। ओके। हमने यूसुफ खान का फोन कॉल रिकॉर्ड किया था ना? हाँ किया था, वो भी मंगा। या एक मिनट, सिक्योरिटी रोको उसे। ठीक है ठीक है। तुम बिना इजाजत एयरपोर्ट में दाखिल हुए, वो भी पुलिस की वर्दी में, बहुत बड़ी गलती की तुमने। सर मैं एक पत्रकार हूं, इसीलिए तो चुप हूं, वरना जवाब देने लायक नहीं रहते। तुम्हारी वजह से एक पैसेंजर की जान चली गई, जानते हो? पैसेंजर्स की सुरक्षा आपकी ड्यूटी है और आप अपनी ड्यूटी से चूके हैं माय फ्रेंड। लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरी ड्यूटी है और वो मैंने अच्छे से निभाई है। नॉनसेंस, ड्यूटी निभाई अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाई। वियतनाम का युद्ध भी एक जर्नलिस्ट की वजह से ही खत्म हुई थी। और ये भूल गए तुम, प्रिंसेस डायना की मौत के जिम्मेदार भी तुम जर्नलिस्ट हो। क्या जवाब है तुम्हारे पास? कैसे इंसान हो तुम? ब्रेकिंग न्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? देश की सुरक्षा के प्रति कोई जिम्मेदारी है? ऐसे हालात में तो सरकार की मदद करो। सर हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं। मीडिया हमेशा सबसे अलग होती है। गवर्नमेंट के लिए काम करना हमारा फर्ज नहीं है। सरकार के लिए नहीं, देश के लिए काम करने को कह रहा हूं तुम्हें। बाथरूम और बेडरूम में झांकने को ही जर्नलिज्म नहीं कहते। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं, अच्छा होगा अगर आप मुझे बाहर जाने दें, वरना इसका अंजाम। क्या करेगा तू? मेरी शिकायत करेगा अपने बॉस से, या प्रेस की आजादी छीनने के लिए मुझ पर केस करेगा? इन धमकियों से मैं नहीं डरता, लेकिन तू यहां से बाहर नहीं जाएगा। तुम मुझे जाने दो। ज्यादा चूचा की ना तो शूट कर दूंगा, तेरी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। नवाज गिरफ्तार करो इसे। सर मेरा फोन। सर सर सुनिए तो, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं असली पुलिस वाला नहीं हूं? ये लाल रंग ऊपर होना चाहिए गधे। जरा सुनिए, आपसे कुछ कहना था। इस प्लेन में जितने भी लोग हैं सबका परिवार है, पर मेरा कोई नहीं सिवाय मेरे ईश्वर के, वही सबका मालिक है। मेरा भी लक्ष्य वही है, उसी की शरण में जाना है। अगर आप किसी को मारना ही चाहते हैं तो मुझे मार दीजिए, मार दीजिए।
चलो अपने डायलॉग सुनाओ जरा। बोलता हूँ सर। महाशय आपकी बेटी जवान हो गई है, जवान बेटी बदनाम ना हो जाए उसकी शादी की जलेबी हमें जल्दी खिलाइए। तो ओके, बहुत अच्छा बोला, आपने पोजीशन ले लो। ले लेता हूँ सर। जवान बेटी चल हटा पब्लिक को वहां से, मेरे लिए चाय लेकर आ। तू यहां क्या कर रहा है? शादी की जलेबी, जवान बेटी शादी की जलेबी, जवान बेटी शादी की जलेबी, जवान बेटी। ए क्या कर रहा है, जल्दी जा, जा रहा हूं सर। पता नहीं कहां कहां से चले आते। साइलेंस साइलेंस, शट आउट, एक्शन एक्शन। गट 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 गट। अरे क्या कर रहा है यार, देखो ये आर्टिस्ट कहाँ गायब हो गया? अरे साइकिल का भाग चढ़ गया क्या? चलो मेरे पास जाके खराब है। और वो आइटम गर्ल कहाँ है? छा हेलो, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? एयर फिल्म की शूटिंग के लिए। ओके, तुम्हें? मुझे मेकअप के सामान के साथ आने को कहा गया था, किसी को यूसुफ खान बनाना है। तुम्हें मेकअप के लिए बुलाया? मैं फिल्म नगरी के बस स्टॉप पे खड़ा था, मुझे उठा के यहाँ ले आए। मेरा सेल फोन भी छीन लिया। एबी बेबी के साथ मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा। उसको मैंने अपनी अगली फिल्म के लिए साइन जो किया है, लेखा कपूर उसमें हीरोइन है, वही MMS वाली मेरी बेटी है। पता नहीं कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। अब क्या क्या नाम है तुम्हारा? रंगनाथ सर। कहाँ से हो? रायबरेली। कहाँ तक पढ़े हो तुम? BA मिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री सर। डायलॉग बोलो तो अच्छी तरह से। नहीं सर, पर रट्टा मारकर कुछ डायलॉग्स बोल लेता हूँ सर। मैंने उस फिल्म में यूसुफ खान का रोल किया था, बस इतना ही सर। उसके अलावा मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं, वो एक्शन से कॉमेडी फिल्म हो गई सर। मेरी गर्लफ्रेंड का बाप मुझे सीरियसली नहीं लेता सर। सर छोटे छोटे बच्चे मुझे देखकर हंसने लगते हैं सर। सच कह रहा हूँ सर, मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, मुझे पुलिस वाला बनना था। जब बेरोजगारी में भूखा था तब एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझसे कहा कि ए, अगर तेरी सड़ी शक्ल पर मेकअप लग जाए तो बिल्कुल यूसुफ खान का असली डुप्लीकेट लगेगा। और इस फ्लॉप डायरेक्टर ने फंस लिया।